हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग का फिर से एक बार स्वागत है Doographics.com पर। मेरा नाम है स्वराज और आज हूँ एक जबरदस्त वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जॉब बायोडाटा का फॉर्मेट क्या होता है और आप जॉब बायोडाटा किस तरह से बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर Doographics.com का यूज करके। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि Doographics.com एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म है। इस पर आप डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी वर्क बहुत ही आसानी से, उसी के साथ साथ बिना किसी डिजाइन के नॉलेज से आप ये काम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं हमारे गूगल स्क्रीन पर। यहाँ पर आने के बाद हमें सर्च कर देना होगा Doographics.com। अगर आप जॉब के लिए कहीं पर अप्लाई करना चाहते हो और आप चाहते हैं कि एक जॉब के लिए प्रोफेशनल बायोडाटा बनाए, तो इस वाली वीडियो को पूरा देखो। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे होम स्क्रीन पर। आप यहाँ पर आने के बाद आपको प्रोडक्ट पर क्लिक कर देना है। जिसे आप प्रोडक्ट पर क्लिक कर देते हो, उसके बाद आपके आगे कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल के आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट दिखेगा बायोडाटा का, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप बायोडाटा पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपके आगे कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल के आ जाती है। अगर आपने साइन अप नहीं किया तो आप यहाँ पर से साइन अप कर सकते हो। मैं डायरेक्ट लॉग इन कर लेता हूँ और आपको बता दूं कि साइन अप की प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, आपको इसके लिए कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एडिटर पेज खुल के आ चुका है। यहाँ पर आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में कुछ अलग अलग टेम्पलेट दिखाई देगी। इनमें से कुछ टेम्पलेट अगर आपको मैथ बायोडाटा बनाने तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर हर तरह के बायोडाटा की टेम्पलेट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग बायोडाटा की टेम्पलेट मिल जाएगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जैसे ही हमने नीचे स्क्रॉल किया, यहाँ पर हमें कुछ टेम्पलेट देखने के लिए मिल जाती है। उनमें से एक टेम्पलेट है ये वाली। तो यहाँ पर कुछ टेम्पलेट है जो कि आप जॉब बायोडाटा के लिए यूज कर सकते हो। तो हम ले लेते हो ये वाली टेम्पलेट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे आपने टेम्पलेट पर क्लिक कर दिया था, उसके बाद आपके आगे कुछ इस तरह का बायोडाटा खुल के आ जाता है। तो बायोडाटा पूरी टेम्पलेट यहाँ पर खुल के आ जाती है। यहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन डालनी है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर आप सबसे फर्स्ट में देख सकते हो, यहाँ पर है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप फुल नेम डाल सकते हो, उसी के साथ साथ एड्रेस डाल सकते हो, आपका फोन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी, बर्थ डेट, इस तरह का आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर डाल सकते हो। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन किस तरह से डालनी है। तो यहाँ पर उसके बाद है जॉब इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप अपनी जॉब इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, जैसे कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी सैलरी, सेल फोन वगैरह आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया। अगर आप जहाँ पर अप्लाई कर रहे हो उससे आपको कॉन्टैक्ट करना है तो वो आपको किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर प्राइमरी फोन हो गया, उसी के साथ साथ आप यहाँ पर कब अप्लाई कर रहे हो और आपकी सिग्नेचर वगैरह, इस तरह की आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन किस तरह से डालनी है। तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालने के लिए सबसे पहले आपको एक लेना होगा टेक्स्ट बॉक्स, उसके लिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड सब हेडिंग कर देना है। जैसे आप सब हेडिंग ऐड कर देते हो, उसके बाद आपके आगे इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स खुल के आ जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर डाल देते हैं सतीश कैलाश धवन, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स पर डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो भी नाम डालना है आप यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर नाम डाल दिया है। उसके बाद आपको इसे ठीक से एडजस्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको जो भी साइज रखनी है वो आप यहाँ से रख सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके अनुसार जिस तरह की आपको साइज रखनी है उस तरह आप रख सकते हो। उसके बाद अगर आपको इसका कलर वगैरह चेंज करने है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देते हैं। उसके बाद आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर सारी पढ़ लीजिए। अगर आपको इसका कलर वगैरह चेंज करने है, दूसरे एलिमेंट्स वगैरह डालने हैं तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो। उसके लिए यहाँ पर आपको एक बार एलिमेंट्स पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर फ्लैट आइकॉन्स पर क्लिक कर दीजिए। और आपकी जॉब के रिलेटेड आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उस जॉब के रिलेटेड यहाँ पर कीवर्ड सर्च कर देने और उसके बाद यहाँ पर आप एलिमेंट ले सकोगे। यहाँ पर अलग अलग तरह के आपको एलिमेंट मिल जाएंगे। अगर आपको उसे कलर वगैरह चेंज करने तो उसके भी आप इजीली कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, तभी एलिमेंट्स आपको विक्टर ग्राफिक्स में यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर आपके फोटोज वगैरह ऐड करने तो वो भी आप यहाँ पर से कर सकते हो। यहाँ पर फोटो पर क्लिक कर दीजिए माय फोटोज और उसके बाद यहाँ पर अपलोड करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। हमने जॉब रिज्यूम पर एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, तो आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसी के साथ आपको एंड स्क्रीन पर वो वाली वीडियो मिल जाएगा। जब आपका पूरा बायोडाटा रेडी हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और इसे PNG में डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कर लेते हो उसके बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। अब आप जहाँ पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर आप ये बायोडाटा दे सकते हो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसी के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।